दोस्तों सभी का मेरा YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। दोस्तों आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, कोई लड़की और लड़का अगर भाग के शादी कर लेते हैं या भाग जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो घर वाले के द्वारा जो रिपोर्ट कराई जाती है उससे कैसे बचे, आप इस जो FIR दर्ज करा देते हैं उससे कैसे बचे, आप इस वीडियो से जान सकते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति या अदर कास्ट का हो या लड़का अदर कास्ट का हो या लड़की अदर कास्ट का, अगर वो भाग कर शादी कर लेते हैं तो उनकी सर्वप्रथम तो उनकी एज, लड़की की एज 18+ होनी चाहिए और बॉयज की एज 21+ होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप भाग कर शादी कर लेते हो, मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, उसके बाद भाग स्वभाव की बात है कि अगर आप किसी लड़की को, लड़का किसी लड़की को लेकर भागेगा तो लड़के वाले या लड़की वाले घर उस लड़के के ऊपर FIR दर्ज कराएंगे या केस करेंगे। अगर ऐसी स्थिति में हो जाती तो आप पुलिस से कैसे बचे और किस प्रकार से आप बच सकते हो, इस वीडियो में आप देखिए अंत तक, पूरा वीडियो को वॉच करिए। जब तक आपके इस वीडियो को पूरा अंत तक नहीं देखोगे जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है कोई लड़की को लड़का लेके भाग जाता है घर वालों के बिना अनुमति और शादी कर लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, किस प्रकार से आपकी सुरक्षा कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर लड़की की एज 18+ है और लड़के की एज 21+ है तो आपको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, घर वालों से भी डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप उसके आपके खिलाफ अगर FIR दर्ज हो जाती है तो आप क्वेश्चनिंग की कार्रवाई कर सकते हो, 400 BSC में हाई कोर्ट जा सकते हो, उस FIR को आप यूज करा सकते हो, क्योंकि वहां ये पूछा जाता है कि लड़की के बयान कराना पड़ता है कि लड़की ने, जब ये कहती है कि मैं मेरी मर्जी से इनसे शादी कर रही हूँ, इन्होंने मुझे कोई बगा के लेके नहीं, ये सारी चीजें वहां होने के बाद आपकी FIR रद्द हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आपको डर हो कि मुझे उसके घर वाले मेरे से मारपीट कर सकते हैं, मुझे ये कर सकते हो, आप 400 BSC में हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हो। प्रोटेक्शन का अर्थ होता है आप सुरक्षा ले सकते हो, लेकिन उस सारे संबंधित आपको वो जगह बतानी पड़ेगी कि मैं इस जगह रह रहा हूँ, इस स्थानीय क्षेत्र में रह रहा हूँ, तो आप हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले सकते हो। प्रोटेक्शन में सारी चीजें बता के आना पड़ेगा कि मैं इस तारीख को फलाना जगह से इस लड़की से मैंने शादी की है, दोनों ने कोर्ट मैरिज की, दोनों ने वो किया है और मेरे पास ये है, सारी चीजें आपको वहां ले जाके बयान कराना पड़ेगा, सारी चीजें आपको हाई कोर्ट में बतानी पड़ेगी। उसके बाद में हाई कोर्ट संबंधित पुलिस अधीक्षक उसको निर्देश देगी कि आप इस व्यक्तियों को प्रोटेक्शन दीजिए, इनको सुरक्षा प्रदान कीजिए, इन दोनों लड़कों ने कोई गलती नहीं की, दोनों अपनी मर्जी से शादी किया, दोनों की एज इतनी इतनी है। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई भी चीज करे तो आप लीगल या वकील से सलाह लेनी चाहिए कि मैं इस तरह की ये चीज कर ले, लेकिन ज्यादातर ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने किसी लड़की को पका के ले गए, शादी कर लिया, तो कम से कम लड़के वाले किसी व्यक्ति उस लड़की के घर वाले के आसपास रखना पड़ेगा, उनकी सूचनाएं आपको आदान प्रदान करना पड़ेगा कि इसने क्या किया, क्या सारी चीजें आपको वो चीजें बताना, ये अपनी खुद की सुरक्षा है। इसलिए दोस्तों कभी भी कोई ऐसी चीज हो जाती है तो आप वकील से सलाह ले लीजिए। अगर आप कई अलग धर्म के हो या लड़की अलग धर्म की हो तो आप उसमें भी आपको कोई कानून नहीं कहता है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म की लड़की से शादी कर सकता है, केवल एज 18+ और लड़के की एज 21+ होनी चाहिए। उस 21+ एज होने के बाद आप हाई कोर्ट से डायरेक्ट प्रोटेक्शन ले सकते हो, हाई कोर्ट से आप शादी कर सकते हो, ये सारी चीजें कानून कहता है। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशनल बढ़े, और आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, अगर और आपको जानकारी चाहते हो तो आप कमेंट्स करिए, मैं अवश्य आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू।